दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि WhatsApp के चैट का आप बैकअप लेके कैसे अपने Google Drive के अंदर सेव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या होगा, आपका जो WhatsApp पे जितने लोगों से आपने चैट पे बात की है, जितने भी आपने अकाउंट है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई बंधु है, जितने भी आपके दोस्त हैं, नए नए दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों का जो अकाउंट है WhatsApp का, जो अकाउंट है WhatsApp के, आपके जितने भी ग्रुप है, इस पूरा WhatsApp का जो बैकअप है आप अपने Google Drive के अंदर सेव कर पाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए अगर फ्यूचर में अगर भगवान ना करे आपका फ़ोन वोन ख़राब हो गया, पानी वानी में गिर गया, कुछ घूम गया, चोरी वोरी हो गया, तो आप उस बैकअप को जो है दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। जितनी भी आपने अपने दोस्तों के साथ की है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ जितनी भी बात की है, फोटोज़ है, वीडियोज़ वगैरह है, जितनी भी आपके WhatsApp के प्रेजेंट में जितने भी वीडियोज़ हैं, उन सबको आप जो है Google Drive के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को आप देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना WhatsApp ओपन करना है। WhatsApp ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह हैं जिनको मैंने मैसेज वगैरह किए हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु है, रिश्तेदार वगैरह है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितने भी हैं जो है आ चुके हैं यहाँ पे, उनका अकाउंट आ चुका है, ग्रुप आ चुका है। ऊपर यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, ऊपर आपको 3 डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्च बार के पास में। 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आना है चैट वाले ऑप्शन के अंदर। चैट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको आना है नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि बोलता है चैट बैकअप। यहाँ पे बैकअप पे ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका लास्ट बैकअप आपने कब लिया था। तो लास्ट बैकअप मैंने कभी भी नहीं लिया था, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी गलती है। अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरा बैकअप अगर मेरे को दोबारा लेना है, अगर मेरे को मैसेज वगैरह दोबारा चाहिए मेरे दोस्तों के साथ, तो बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैकअप जो है गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा। गूगल ड्राइव के अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से 15 GB का जो है स्टोरेज रहता है, तो आप इसको बैकअप को आराम से सेव कर सकते हैं। नीचे उसके बैकअप वाले बटन में क्लिक करने से पहले नीचे आपको यहाँ पे सेटिंग जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप टू गूगल ड्राइव। बैकअप टू गूगल ड्राइव को यहाँ पे आप डेली बैकअप ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस पर क्लिक कर दीजिए ओनली व्हेन आई टैप बैकअप। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे अकाउंट पूछेगा कि कौन सा अकाउंट का आपको करना है, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दीजिए। तो भाई मेरे को इस वाले अकाउंट का करना है। अब यहाँ पे पूछा गया बैकअप और अगर आप वाईफाई से बैकअप लेना चाहते हैं या फिर वाईफाई या सेलुलर या इंटरनेट डेटा के थ्रू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वाईफाई और सेलुलर कर लीजिए। अगर आप जियो वगैरह यूज़ करते हैं या वोडाफोन का यूज़ करते हैं, एयरटेल वगैरह यूज़ करते हैं और आपकी अच्छी स्पीड है, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वाईफाई और सेलुलर का। जैसे कि मैंने जो है ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इंक्लूडिंग वीडियोस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो अगर आपको वीडियो का भी बैकअप लेना है, तो यहाँ पे आपको वीडियो का टोटल साइज़ वगैरह बता देगा। 58 MB का वीडियो जो है बैकअप जो है इसमें अपलोड हो जाएगा। वीडियो अगर नहीं लेना तो उसको हटा दीजिए, मैसेज वैसेज वगैरह लेना तो उसको कर दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर आपको सिंपली एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, बड़ा सा शानदार सा बना हुआ बटन है, जो कि बोला है कि बैकअप, कि भाई इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे जो आपका बैकअप जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस बैकअप पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप पे क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयरिंग कर रहा है और प्रिपेयरिंग गूगल ड्राइव बैकअप। यहाँ पे जो है गूगल बैकअप जो है मेरा गूगल ड्राइव पे जो है स्टार्ट हो चुका है जाना, और टोटल जो है 25 MB का बैकअप है। ये आप देख सकते हैं कि 25 MB का जो बैकअप है चैट का जो बैकअप वगैरह जो है गूगल ड्राइव पे जाना स्टार्ट हो चुका है, और ये बैकअप जो है पूरा हो जाएगा। तो ये बैकअप पूरे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या करना है। देख लीजिए सिंपल से जो है ये मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है इसको कैंसिल कर दिया। मैं बाद में ले लूँगा। और अगर आपको बैकअप लेना है तो देखिए सिंपली से मैं आपको दोबारा से प्रोसेस बताता हूँ, चाहे आप ध्यान से नहीं निकले। आपका WhatsApp ओपन करना है, 3 बटन पर आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है, चैट वाले ऑप्शन के अंदर आना है, चैट बैकअप के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह अकाउंट वगैरह सेलेक्ट कर देना है कि कौन सा अकाउंट है भाई आपका, और यहाँ पे वाईफाई और सेलुलर वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप वाईफाई से लेना चाहते हैं तो ऊपर वाईफाई कर लीजिए, और नेट इंटरनेट डेटा जो है सिम कार्ड जो डेटा है जियो इंटरनेट जियो वोडाफोन या एयरटेल वगैरह यूज़ करते हैं तो सेलुलर वाला सेलेक्ट लीजिए। यहाँ पे अकाउंट है ओनली वन आई बैकअप पे क्लिक करके बैकअप वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, जो आपका बैकअप जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये था पूरा प्रोसेस कि WhatsApp का जो है बैकअप कैसे ले सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। और आपको अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी से वीडियो जुड़े हुए वीडियोस अगर चाहिए डेली रूटीन के लिए, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब राइट कलर के सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करके हम ऐसे वीडियो जो है लाते रहते हैं, नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बोलते रहे और मदेश शंभू जय बोलना होता।